रोजगार दो, नौबत के 9 मिनट और तरह तरह से ये युवाओं को देश के ऑनलाइन अपनी बेरोजगारी की आवाज़ उठानी क्यों पड़ रही है ज़रा सोचिएगा ज़रूर। ये आवाज़ इसलिए उठानी पड़ रही है क्योंकि हमारे देश में अब युवाओं की परेशानियों को, जन समस्याओं को उठाने वाला, सुनने वाला, सुनाने वाला कोई बचा नहीं है। हमारे देश का मीडिया व्यस्त है रिया चक्रवर्ती की न्यूज़ दिखाने में, कंगना रनौत की खबर दिखाने में। हमारे देश के मीडिया को फर्क नहीं पड़ता है कि चाइना बॉर्डर पे हमारे देश के अंदर तक घुस आया है। हमारे देश के मीडिया को फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे देश के अंदर कोरोना महामारी बुरी तरह से फैल चुकी है, देश दूसरे नंबर पे आ चुका है और हर रोज प्रतिदिन आने वाले केसों में विश्व में भारत सबसे आगे पहुँच गया है। प्रतिदिन मरने वालों की संख्या में विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में आ रहे हैं, लेकिन हमारे देश की मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेरोजगारी से युवा त्रस्त है, त्राहिमान है, हर रोज आंदोलनरत है, आवाज़ उठा रहा है, मांग कर रहा है, ऑनलाइन बार बार कैंपेन कर रहा है, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन ना तो सरकार को कोई फर्क पड़ता है ना देश की मीडिया को कोई फर्क पड़ता है। ऐसे में जरूरी है युवा साथियों कि एकजुट हो जाओ, अपनी आवाज़ उठाओ और इस गूंगी बहरी और मक्कार सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ो, इस बिकी हुई मीडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ो और अपने साथियों के हक की लड़ाई लड़ो। अगर आज तुम लोग नहीं बोले, अगर आज तुम लोग नहीं बोले तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हें भी इतना ही गुनहगार मानेंगी जितना इस सरकार को और इस बिकी हुई मीडिया को गुनहगार मानेंगी। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, बेरोजगारी के खिलाफ हमारी लड़ाई में हमारे साथ आइए, आवाज़ उठाइए और इस सरकार से लोहा लीजिए, अपने रोज़गार, अपने हक छीन के लीजिए।